एक 19 साल के नौजवान का तेज तार हथियारों के नाल कतल कर दिता गया। दस दिए कि मेले के किसी के नाल बहसबाजी होंदी है तो उत्थे ही उसनू मौत के घाट उतार दिता जाता है। तो खबर मोहाली तो सामने आ रही है। बलौंगी के दसिया जा रहा है कि दुशहरे का मेला चल रहा है। यह नौजवान अपने दोस्तों के नाल गया होया सी मेला देखने के लिए। हालांकि इन्होंने नाल दसिया जा रहा है कि दो तो तीन लड़कियां भी सी, पर जिवें ही यह झूले के उतर के नीचे आ रहे थे तो पिछों की दसिया जा रहा है कि किसी ने रॉड मार के इसनू जख्मी कर दिता। तो फिर उस तो बाद तेज तार हथियारों के नाल इसनू मौत के घाट उतारिया गया। हालांकि जिवें ही इस उत्ते हमला हुंदा है तो इसके बाकी साथी उत्थे डर के मारिया भज जाते हैं। तो इस नौजवान के भरा नू जब यह मौके के उत्ते पहुँचता है तो उत्थे वह नौजवान नहीं हुंदा, आले दुआले काफ़ी लभदा है। तो फिर उसनू एक फोन आता जिस दे विच पता लगता है कि उसका भरा 6 फेज हस्पताल दे विच दाखल है। तो उस तो बाद उत्थे जब पहुँचता है तो उत्थे डॉक्टरों के वालों उसनू मृतक ऐलान दिता जाता है। हालांकि पुलिस के वालों मामला दर्ज करके अगली जाँच शुरू कर दी गई है। तो दस दिए कि 19 साल का यह नौजवान है, सूरज वजो इसकी पहचान हुई है। दोस्तों के नाल यह दुशहरे का मेला देखने गया सी, पर रस्ते दे विच ही दस्या जा रहा है कि उत्थे जिवें ही झूले तो उतर के आ रहा सी तो कुछ नौजवानों के नाल इसकी बहस होंदी है। बहस तो बाद इस दे उत्ते तेज तार हथियारों नाल हमला कर दिता जाता है। खून के नाल लथपथ हालत के विच ही इसके दोस्त इस नूं छड्ड के फरार हो जाते हैं। हालांकि जदों ही परिवार के वालों पुलिस को इसकी शिकायत दी गई तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नौजवान को काबू कर लिया, जबकि बाकियों की भाल की जा रही है। तो बेरहमी के नाल 19 साल के नौजवान का कतल किया गया। फिलहाल पुलिस के वालों जांच की जा रही कि आखिर इन्हों की कोई पुरानी रंजिश थी या फिर कोई उत्थे ही बहसबाजी हुई सी जिसके कारण उन्होंने वालों हमला किया गया। यह फिलहाल जांच का विषय है। जिसकी मर्डर हुई है वो मेरा भाई लगता है। क्या नाम था उनका? उसका नाम सूरज था। तो बलौंगी में रहते थे? नहीं नहीं, बलौंगी में नहीं रहते। वो बलौंगी जैसे कल दशहरा हो रहा था तो दशहरे में वो एक फेज से बलौंगी आए थे देखने के लिए। जैसे घूमते हैं बच्चे हैं तो वैसे ही घूमने के लिए आए थे। तो वो ऐसे तीन चार लोग थे, उसके साथ मेरे 2 ही लड़के आए थे। उसके बाद से यहाँ कोई यार दोस्त मिला था, 3-4 हो गए थे, उनके साथ भी 2-3 लड़कियाँ भी थी। तो ऐसे वो घूम रहे थे, वैसे झूला पर चढ़े थे। तो झूला पर वो जैसे झूला जैसे ख़त्म होता है ना, नीचे आए तो पीछे से इसके किसी ने रोड मार दिया पीछे से। उसके बाद से ये लेट गया, उसके बाद से इसको बहुत मारे हैं। उसका कब चाकू मारे इसे नहीं पता था लड़के को, और चाकू कब मारे नहीं पता था। इधर से लेके गए हुए हैं। तो उसके बाद से जो मेरे भाई के साथ में लड़का था उसने कॉल किया मेरे को कि बोल रहा है ऐसा ऐसा बात है, तुम आ जाओ यहाँ पर। तो मैं गया, मैं भी एक फेस मार्केट में था जहाँ दशहरा लगा था। हम कैसे भी आए, कोलेट से ऑटो पकड़ के हम आए बलौंगी पुल पर वो लड़का था। हम 5-6 लड़के आए थे तो वहाँ उससे पूछे तो उसने खुद लेके गया, दिखाया कि यहाँ पर मारा है, और उसके ब्लड भी नीचे गिरे हुए थे। तो मुझे लगा कि वो कोई मेडिकल वगैरह गया होगा। तो मैं बलौंगी में सारे मेडिकल आधे एक घंटे तक हमने ढूंढा, हॉस्पिटल मेडिकल हर जगह मैंने देखा, कहीं नहीं मिला। फिर मुझे कॉल आया कि तुम्हारा भाई जो है वो 6 फेस भर्ती है। तो मैंने बोला ऐसा क्या हो गया, तो बस आ जाओ जल्दी। फिर हम 6 फेस गए तो कोई और लड़के थे जो भर्ती करा रखे थे, तो उनसे पूछा गया कोई जो प्रिंस लड़का था ना, इसने बहुत मेरे को यही चीज़ बताया, जैसे उतरे उसने मारे रोड, उनके पास खंजर भी थी और मैंने खंजर देख के भग गया। क्या लगता है कोई रंजिश होगी, झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ये जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से तो ये कोई जैसे होते गेम बैठा के उन्होंने मारा है, क्योंकि कोई भी आके अचानक से पीछे से नहीं मार सकता। इस केस की तो कल से ही कार्रवाई हो रही है, पुलिस हमारे साथ ही है, मगर अगर यहाँ पर हमारा केस नहीं हुआ हम आगे भी देखेंगे। किसी को पुलिस ने किसी को गिरफ्तार वगैरह कर? हाँ, गिरफ्तार किया है। ओ, गिरफ्तार किया एक लड़का है, क्या नाम है उसका? गोविंद नाम का लड़का है, क्योंकि वो एक लड़का था जो मेरे भाई के साथ में था, जो 4-5 लड़के उसमें था। उस लड़के ने बोल रहा बार बार कि यही था, कन्फर्म यही था, और उसने गवाही दिया यही लड़का था। हम उस लड़के को लेके आए। गोविंद कहाँ रहता है? गोविंद ऐसा मोटोर रहता है, 3B2 था। हाँ, 3B2 कोई दुकान है उसकी, फ्रूट और सब्जी बेचते हैं, और हनुमान मंदिर के पास ही दुकान, वहाँ फ्रूट और सब्जियाँ बेचते हैं। और तुम लोग क्या करते थे? हम भी सब्जी बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, मतलब फ्रूट हम भी बेचते हैं। मंडी का ही काम है हमारा, जैसा सेक्टर सेक्टर में मंडियाँ लगती हैं वैसा हम सेक्टर सेक्टर में मंडी लगाते हैं।
तो क्या मांग करना चाहते हो? हम यही मांग करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के यही हमारी गिनती है कि जो भी हैं, जो भी 4-5 लड़के हैं, जो भी है लड़की है, जो भी है, हमारी यही रिक्वेस्ट है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं और सजा उनका हो, बस यही, कम से कम फांसी की सजा हो जिसने चाकू मारा।